हाँ जी, गुड इवनिंग जी सारा नू। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सारा नू। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हाँ जी, पहले क्वेश्चन था शिवम जी। गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, पार्लियामेंट बाय लॉ में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अर्जनी यूनियन टेरिटरी। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? जी गुड, बिल्कुल सही है। ये पारी की शुरुआत शुभम द्वारा बहुत अच्छी। ये ग्रेट सिक्स सर, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। इफ ए गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूटी, ही शेल एक्सरसाइज हिज फंक्शन सच एज एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही है। एक गवर्नर को स्टेट का, किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो वो यूटी का, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी लग सकता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, सेकंड का आंसर क्या आएगा? पहली स्टेटमेंट तो गलत है। गवर्नर कहते पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का। देखो, गवर्नर भी पार्ट है लेजिस्लेचर का। क्यों पार्ट है गवर्नर? गवर्नर क्यों पार्ट है? हेड ऑफ द स्टेट है। बिल्कुल सही है जी शिवम, सही कह रहे हैं आप। जब तक गवर्नर साइन नहीं करता तो स्टेट की एलए का लॉ तब बनेगा जब गवर्नर साइन करेगा। तो इसलिए ये पार्ट है। पहली स्टेटमेंट गलत है। गवर्नर ऑफ स्टेट हैज नो इमरजेंसी पावर टू मीट द सिचुएशन राइजिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन। तो बिल्कुल सही है जी, स्टेट के गवर्नर को ले कोई शक्ति नहीं है। कोई बाहर से हमला हो गया तो कोई इमरजेंसी टैकल करने की उसके पास कोई पावर्स नहीं है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर इसका बी आ गया। बिल्कुल सही है। थर्ड का आंसर क्या आएगा?
ये पहला सही है, गवर्नर समन भी कर सकता है एलए को, प्ररोग भी कर सकता है, डिजोल्व भी कर सकता है। गवर्नर कैन अडजर्न द सिटिंग ऑफ स्टेट असेंबली, ये गवर्नर नहीं कर सकता। तो फिर स्टेट असेंबली की सिटिंग को अडजर्न कौन करता है? जो दूसरी स्टेटमेंट है, स्पीकर। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। गवर्नर एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इलेक्शन, ये सही है। गवर्नर कॉजेस ए ले टू एनुअल बजट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये बजट भी ये पेश करता है, ठीक है। इनके बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, उधर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। तो दो नंबर स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सब सही है। हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? देर इज ए बार टू द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? हाँ जी शिवम जी, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? कहते देर इज ए बार टू द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट अमंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। देखो, उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जो मान लो सपोज वो एमएलए भी है, तो गवर्नर बनता है वो छोड़ देगा, एमएलए की सीट को वेकेंट कर देगा। लेकिन आउट ऑफ स्टेट ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि जिस स्टेट का गवर्नर लगाना है वो बाहर से होना चाहिए, लेकिन इसकी भी वायोलेशन हुई है। पंजाब के गवर्नर रहे एक बी एन शिबर्ड, बी एन शिबर्ड आप नेट पे सर्च करना, वो पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब के गवर्नर बनाए गए थे, ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? पंजाब के थे बी एन छिब्बर और पंजाब के गवर्नर रहे हैं वो। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ जी, सेकंड ओरिजिनल प्लान एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू हैव
इलेक्टेड गवर्नर। ठीक है, पहले इलेक्टेड गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन थी कि गवर्नर को जैसे सीएम को इलेक्ट किया जाता है वैसे गवर्नर को इलेक्ट किया जाएगा, बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया कि ये इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। ये इलेक्टेड होता तो फिर क्या होता? जे इलेक्टेड होता, सपोज गवर्नर इलेक्टेड होता सीएम की तरह, तो फिर क्या होता? हाँ जी बिल्कुल सही है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड सीएम बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये किस किसके किस चीज के अगेंस्ट था ये मेथड? ये इलेक्टेड होता तो किस स्पिरिट के अगेंस्ट होता ये? बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट होता। तो ये बहुत बड़ा सिक्सर शिवम द्वारा, बहुत बहुत ब्लेसिंग, मैं यही जानना चाहता था। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होना था चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड है वो नॉमिनल होता है। बिल्कुल सही है, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिपंडेंट टू द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन फेडरल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। कहते जो मेथड है गवर्नर की अपॉइंटमेंट का ऑफ स्टेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं, इज रिपग्नेंट। रिपग्नेंट क्या होता है? तो कहते जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये, रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट मतलब उसके अगेंस्ट है ये। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, ये भी चीज सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, पहला क्यों गलत है? कोई बार नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ट्रेडिशन है। सरकारी या कमीशन ने ये कहा था कि आप जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को आप गवर्नर बनाना चाहते हैं वो आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? फिफ्थ का, हाँ जी बी। वैसे बाकी स्टेटमेंट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी कहता है कि अपनी इच्छा से जब मर्जी ऑडियंस जारी कर सकता है, तो ये तो गलत बात है भाई, अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकता। तो फिर किनकी इच्छा से करता है ये भी पता होना चाहिए। अपनी इच्छा से तो नहीं ऑर्डिनेंस इशू करता, किसकी इच्छा से करता है ये? बिल्कुल सही है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है जी, अपनी इच्छा से नहीं करता। स्टेट में दूसरे हाउस का क्या नाम है? एक तो एलए हो गया, दूसरा क्या है? एलसी। ठीक है, ये याद रखना आपने, एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सिर्फ सेवन स्टेट्स में है, ये सिर्फ सेवन स्टेट्स में है। चलो देख लेना, सिक्स और सेवन, सिक्स है या सेवन है मेरे ख्याल।
अब जे एंड के और लद्दाख बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे बैठ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? चलो, आर्टिकल का, गवर्नर के ऑर्डिनेंस का कितना आर्टिकल है? दो सौ तेरह, बिल्कुल सही है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। 123 प्रेसिडेंट का, इसका उल्टा कर देंगे तो 213 बन जाएगा। मैंने आपको याद कराया पहले से। हाँ जी, सिक्स्थ का आंसर क्या है? दी व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर अटेम्प्ट टू टेक अवे द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड इज प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर फॉर असेंट। प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर फॉर असेंट, कहते मान लो कोई बिल पास किया, जैसे हाई कोर्ट की शक्तियां कम कर दी गई हैं, तो वो बिल को क्या करेगा गवर्नर, ठीक है? तो इसका आंसर डी आएगा, वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजेगा, ठीक है, बाउंड है, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। किस आर्टिकल के तहत वो रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए? किस आर्टिकल में ये लिखा है? तो 210, 201। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। आपको बहुत बहुत प्लेसिंग और मेरी तरफ से मिलती है। और एक और सिक्स, 201, 86, आज का सबसे लंबा सीकर, 201। सेवन का आंसर क्या है? कौन सी शक्तियां गवर्नर की बहुत ही लिमिटेड हैं, जो डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी होता है अपनी इच्छा से, ऐसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना अपनी इच्छा से, नहीं अपॉइंट कर सकता, मिनिस्ट्री को डिसमिस करता, ये भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। सीएम को अपॉइंट अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्यों नहीं अपनी इच्छा से कर सकता गवर्नर को अपॉइंट? सॉरी, सीएम को अपॉइंट अपनी इच्छा से क्यों नहीं कर सकता गवर्नर?
हाँ जी ये सही आंसर है, कोमल द्वारा ग्रेट सिक्सर, आज का सबसे लंबा सिक्सर। और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू मिलते हैं। जिस सीएम के पास मेजोरिटी होती है उसको भी पॉइंट करता है गवर्नर, अपनी इच्छा नहीं यूज कर सकता। बिल्कुल सही आंसर है। मजिस्ट्री को डिसमिस क्यों नहीं कर सकता? मिनिस्ट्री को डिसमिस नहीं कर सकता? कोई मंत्री को हटाना है, पंजाब के किसी मिनिस्टर को हटाना है, तो वीपी सिंह और अपनी इच्छा क्यों नहीं यूज कर सकता? ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम सीएम, बिल्कुल सही है। एक और सिक्सर बाय कोमल। कोमल आप बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड मिलते हैं। एक और सिक्सर कोमल द्वारा, सीएम के कहने पे ही उनको हटाएगा। सारी मिनिस्ट्री को हटाना है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ना। लेकिन किसी मिनिस्टर को हटाना है, किसी मिनिस्ट्री को हटाना है तो फिर सीएम के कहने पे मिनिस्टर को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बात नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब एल को खत्म करना है तो वो भी सीएम के कहने पे ही हो रहा है। ठीक है, तो असेंबली बिल्स वो डिस्क्रिप्शन बात नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी अब आवाज आ रही है। हाँ जी आप सुन रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल? एर्थ कांस क्या आएगा? खानपुर क्या क्वेश्चन आपका? यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। देखो जो कॉन्फिडेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है, ना कि मिनिस्ट्री की होती है। जो कैप्टन कहेगा पूरी टीम वैसे ही करेगी। देखो जब कॉन्फिडेंस की बात आती है, कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पाते
ठीक है, फिर तो सभी बाजार तो पूरा सीएम और उसकी पूरी टीम जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी एक मिनिस्ट्री को हटाना है, दो को हटाना है, 10 को हटाना है, 20 को हटाना है, तो वो सीएम के कहने पे होगा। ये तो अलग इशू है ना, नो कॉन्फिडेंस वालों, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस लाना उनके बस की बात नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। किसी मिनिस्ट्री को हटाना उसका कोई रोल नहीं है। कैप्टन ये डिसाइड करता है कि किसको ग्राउंड के बाहर बैठाना है, किसको अंदर लाना है। पंजाब में आपने देखा नवजोत सिंह को, तो आप जानती ठोकता मतलब को, ये कैप्टन जो अमरिंदर पंजाब के सीएम है, उनके साथ ये मिनिस्टर था, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्टर, उनको बढ़ा दी, अब मिनिस्टर ही है, ठीक तो सीएम जिसको चाहेगा वो कैप्टन की तरह काम करता है, उसकी मर्जी है किस ग्राउंड में लाना है, किस बार लाना है, किससे बॉलिंग करवानी है, किस नहीं करवानी, किसको बैटिंग करानी है, किसको नहीं करानी है, तो वो कैप्टन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो अलग ही इशू है। हाँ जी, नो, योर क्वेश्चन इज क्लियर। हाँ जी, 8th का आंसर क्या आएगा? डी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेम पर्सन कांट फंक्शंस एज गवर्नर टू और मोर स्टेट्स एज द सेम टाइम। ये गलत है। क्यों गलत है? एक गवर्नर दो स्टेट्स के लिए काम कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है जी, एक स्टेट दो स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, उसे एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। ये पहली स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि एक गवर्नर होगा स्टेट का चार्ज, तो ये सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है। हाँ जी, 10th का आंसर, सॉरी 9th का आंसर क्या है? डी डी जॉर। एक होता है डी फैक्टो, एक होता है डी जॉर। डी जॉर जो नॉमिनल हेड होता है उसे कहते हैं डी जॉर, जो डी फैक्टो होता है वो सीएम होता है, ठीक है। हाँ जी, 10th का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, बी आएगा। हाई कोर्ट के जज को ये पॉइंट नहीं करता, तो हाई कोर्ट के जज को पॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट स्टेट प्रोसिक्यूशन के मैम को गवर्नर पॉइंट करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर करता है, अकाउंटेंट जनरल को ये नहीं पॉइंट करता, इसे भी प्रेसिडेंट करता है, और इसका आंसर आएगा बी, 2 और 3। 11th का क्या आंसर है? 11th का कहते हैं ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड
on accordance with the provision of constitution president of india under article 356। ठीक है, तो जब कहते रिपोर्ट करता है गवर्नर प्रेसिडेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ काम नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है? हैज टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, 356 तहत प्रेसिडेंट रूल लगेगा स्टेट में, जब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कुछ चल रहा स्टेट, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। When can governor of state issue an ordinance? कहते गवर्नर स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस कब करेगा? हाँ जी सी, जब गवर्नर को लगता है कि शासन नहीं चल रहा, ये जरूरी शासन नहीं चल रहा। ठीक है, 13 का आंसर क्या आएगा? अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर में विद होल्ड सेंट टू द बिल, कहते बिल को सहमति नहीं देगा, रिजर्व द बिल, ये भी कर सकता है, बिल को रिजर्व भी कर सकता है, हम भी पढ़ के हैं, रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल, तो ये तीनों सही है, तीनों सही है, मनी बिल को छोड़कर बाकी सबको रिटर्न भी कर सकता है। हाँ जी, 14 का आंसर क्या आएगा? गवर्नर की कंस्टिट्यूशन पोजीशन क्या है? दी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह देंगे वैसे ही काम करेगा। हाँ जी, 15 का आंसर क्या है? इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट इलेक्शन रखा गया था जब हमारा संविधान बना था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑप्टेड किया था प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय प्रेजिडेंट, के गवर्नर को प्रेजिडेंट लगा देगा, दोनों सही है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन नहीं। 16 का आंसर बताओ क्या का? द गवर्नर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड विद द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है जी, इज नीड सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पर सही थे, गवर्नर से जुड़ने हेड से रन के लिए, तो ये आज भी एक्ट कमी द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये था वाज लगा, ये था है नहीं है, था ये इलेक्टेड भी हो सकता है, जब ओरिजिनल वे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये तीनों सही है। इज चूजन ओनली अमंग द कैटेगरीज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो
कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कैटेगरीज नहीं बनाई कि उसे चूज किया जाएगा। एक दो तीन सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझाए आज के जो मैंने कराई। ये सभी कोमल जोबन जितने भी सारे हमारे बल्लेबाज हैं जन्मदिन अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग है। खुश हूँ कि आप परफॉर्मेंस दो दिन डे बाई इंक्रीज हो रही है और अच्छा लॉजिकल आने लगे हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो कम ही था टफ जो है मिलेगा, तो आप दिनों दिन मेहनत करते रहो। गुड नाइट, कल मिलेगा।